ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस कैसे आप सभी, होप करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे एंड फाइन होंगे गाइस। एंड गाइस आपने लास्ट वीडियो में क्या ही रिस्पांस दिया यार। एंड हमारा जो व्लॉगिंग चैनल है उसमें आया था इसी संडे प्रैंक, उसमें भी आपने क्या ओपी सपोर्ट दिखाया। बस ऐसे सपोर्ट दिखाते जाओ, हम भी आपके लिए क्रेजी करते जाएंगे। जैसे आज हम फिर से करने वाले हैं मेम रिएक्ट, और किस पे? ऑब्वियसली प्ले ग्राउंड सीजन 3 का पार्ट 3। आप सोच रहे होगे कि भाई ऑलरेडी मैंने दो पार्ट तो बना ही चुका है भाई प्ले ग्राउंड 3 में, तो और फिर से एक पार्ट और क्यों भाई? यही है कि इतना दिखा होगे हम बोर हो जाते हैं। पर भाई सीजन ही वैसी है यार, बोर होने का कुछ नाम ही नहीं है। तो लेट्स सी, मीम देखते हैं प्ले ग्राउंड 3 का। अरे दिखाते कौन है? मैं एल्विश को बताने आ रहा हूँ कि अनाड़ी कौन है। यमक बेरियोने, एंटरटेनमेंट की कमी हो रही थी तेरे से। प्लेग्राउंड को थोड़ा नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हैं। प्लेग्राउंड 3 का नया वाइल्ड कार्ड मेंटर इज फुकरा इंसान। भाई सच में अब तो मतलब फुकरा इंसान कहने के बाद तो और बहुत सारी अच्छे अच्छे मीम आई हैं यार इसमें। और ये और ऊपर से शो जो है प्लेग्राउंड 3 वो दो वीक के लिए और एक्सटेंड हो गया है। ये प्लेग्राउंड रहता है 4 वीक, मतलब कि 1 मंथ का। बट आपके प्यार और आपके सपोर्ट की वजह से प्लेग्राउंड वालों ने भी इस गेम को एक्सटेंड कर लिया 2 वीक, तो हमने भी अपने वीडियो के पार्ट को एक्सटेंड कर लिया 3 पार्ट। तो लेट्स सी नेक्स्ट मीम। माय फ्रेंड इज हियर। एल्विश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? हम बोल सकते हैं। आगे बोलने वाला आपका न्यू वाइल्ड कार्ड मेंटर। बार को बहुत मजा आएगा क्योंकि इस बार वाइल्ड कार्ड मैं हूँ। ये मेरे को कमेंट में बताना कौन एल्विश यादव का सपोर्टर है, कौन फुकरा इंसान का। मैं तो दोनों का बहुत बड़ा फैन हूँ भाई, आई लव यू बहुत। आ रहा है कि नहीं कैमरे में कि बड़ा हो रहा है? मैं ऐसे प्राउड होता हूँ ना, वाव। भाई बंदा यहाँ पर उसको इग्नोर भी कर दिया, वाव। ऐसा जी मैं क्या प्राउड होता हो गया ना यार कि बैक बेंचर हो गया और क्लास में फर्स्ट आ गया। लेकिन अगर वो क्लास में फर्स्ट आ रहा है तो फर्स्ट बात तो वो बैक बेंचर नहीं हो सकता, और अगर वो बैक बेंचर है तो क्लास में फर्स्ट नहीं आ पाएगा। हाँ पास जरूर हो जाएगा मेरे जैसे। स्नेहा आप बहुत अच्छी हो और मैं जो है आपको बहुत पसंद करता हूँ, और मैं दिल से आपको ये बताना चाहता हूँ कि तुम थोड़ी कंजूस हो, ठीक है? और तुम थोड़ा मेरे से बोला करो क्योंकि तुम जिंदा लाश। जिनको नहीं पता ये गेम के बारे में, मैं उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि भाई पीछे से हमें कोई 2-3 वर्ड दिया जाएगा, उस वर्ड को अपन को जोड़ के एक सेंटेंस बनाना है और उसको सामने वाले को बोलना है। तो वही यहाँ पर से गेम चल रहा है। लगती हो ठीक है, और तुम एक ऐसी लड़की हो जिसको मैं प्यार कर बैठा, लेकिन आज से 2 साल बाद मैं एक लड़की को प्यार और करूंगा जो तुम्हें मम्मी बोलेगी और मुझे पापा। लेकिन लेकिन जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ तो मुझे कद्दू की याद आ जाती है। देखो मैं सिंपल सी बात बनाना चाहता हूँ कि मेरा एक ही प्लान है, हम दो हमारे दो और हम दो हम चारों मिलके इस धरती पे बोझ बनेंगे। और देखो जलने वाले तो मिलते रहेंगे। हाँ। बट हमारी प्यार की कहानी
वो मजबूत रहेगी। ओह ठीक है, तो मैं आपको खिलाना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। इंटरेस्टिंग लेवल अप है बहुत ज्यादा। काफी भूखे लगते हो लोग खाने में। वाह वेल डन। आप इसके साथ डांस करने के लिए तड़प रहे हैं। वन एंड ओनली चिल चिल आजा मेरे साथ हिल। बाकी यार ऐसे जो बीच बीच में डांस करता रहता हूँ उसको देख के जज मत करना, क्योंकि मेरे को डांस करने बिल्कुल भी नहीं आता और मैं बस ऐसे ही नाच लेता हूँ। भाई ने ये बात तो सही बोली, जो तनु है ना वो बहुत स्वीट है यार। देख उसका एक बार फेस ही देखो यार, कितना मतलब बहुत क्यूट बंदी है यार सच में। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा लेखा जी को। लेखा जी प्लीज कम एंड आशीर्वाद दीजिए इनको ब्लैक या फिर ग्रीन से। अपना अपना दिल निकाल के दे दो। लाइक अपना दिल निकाल के दे दो ब्लैक भाई, अपना दिल लेकर के दे दो। वो इस क्रेजी मैन सच में लिटरली भाई अपना दिल ले। अगर जिनको नहीं पता क्या हुआ था उस टास्क में, मैं आपको छोटा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि उस टास्क में ऐसा था, जो न्यू कार्ड मतलब जो वाइट कार्ड मेंटल आया है पूरा इंसान, उनका एक अलग से टीम है, वाइट कार्ड टीम पूरी की 3 लोगों की। उन लोगों को अलग से स्टेज में बुलाया गया था एंड बाकी जो कंटेस्टेंट थे उनको बोले थे कि एक एक बंदे का आओ और इन तीनों को ग्रीन हार्ट या ब्लैक हार्ट से वो करो। अगर ब्लैक हार्ट मतलब बैड और ग्रीन हार्ट मतलब अच्छा, किसको अगर कॉम्पिटिटिव मानते हैं मतलब जो अपने टक्कर पे है उसको अपन ग्रीन हार्ट देंगे, और जो मतलब थोड़ा लूज हो खत्म है ऐसा टाइप उनको ब्लैक चाहिए, ब्लैक देना है करके। तो यहाँ पास ये बोले कि एल्विस भाई बोले कि वहाँ हमारा जो टिकट है वो वेस्ट मत करो, अपने दिन निकाल के दे। तो वाओ इस क्रेजी सच पे I like it। मैं चाहूंगा कि देखो प्यार का माहौल यहाँ पर तो थोड़ा सा बन ही गया है। दिल की बात कहना चाहेंगे एल्विस से। एल्विस आई लव यू ब्रो। आई लव यू टू। मेरे को भी लाइव आई लिटरली बताऊँ तो मेरे को इन दोनों का बॉन्ड बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है यार। पता नहीं दोनों बहुत ज़्यादा क्यूट लगते हैं, जब दोनों एक स्क्रीन में रहते हो तो फुल ऑन मस्ती होती है भाई। सच में बताऊँ तो यहाँ पर जो लिखा था कि द बेस्ट डो, लिटरली में द बेस्ट डो है भाई मेरे हिसाब से। तो करते हैं हमारे लास्ट मीम की तरफ जो कि ये रहा। क्या है यार बोला था ना कहता, आप जो बच्चन वाला डायलॉग मारूंगा वो केबीसी वाला बैकग्राउंड म्यूजिक डाल देना। क्यों नहीं डाले छोड़ो अब यार। एक चीज मेरे मुंह से शायद थोड़ी ऑकवर्ड भी लगे बट फिर भी कभी कभी सीरियस होता हूँ मैं, और वो सीरियसनेस में बात सुननी चाहिए। आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा हो, खासकर औरतें हमारी सोसाइटी की, और सोशल मीडिया पे ये इतना बड़ा शो हो रहा है तो कहीं ना कहीं आप जो लोग देख रहे हैं उनको इंस्पायर भी कर रहे हो। जो लड़कियों को, आपको नहीं मैं सबको ही बोल रहा हूँ है ना, कि जो लड़कियां भी इंस्पिरेशन लेके, यार जो लोग सोचते ना कि भाई लड़की है फिजिकली वीक होगी ये काम नहीं कर सकती, तो उसके मुंह पे बहुत अच्छा तमाचा है जो लोग ये सोचते हैं। तो कैरी ऑन, ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छा करा आपने। देखो भाई बात तो सही बोला आपका सैलरी सही ने भाई, मैं लड़कियों को कई लोग आज भी अगर कहीं आप गाँव इलाके में जाओ तो लड़कियों को लाइक क्या है, अगर कोई सोशल मीडिया में भी आ गई ना लड़कियां तो उनको मतलब ट्रोल करने लग जाते हैं कि क्या है। इधर जिस इलाके में मैं रहता हूँ, मैं
शायद मे भी अभी यही सोचते होंगे, शायद लड़कों को अगर भी कैमरा उठा के अगर ये सब करते अगर देखेंगे, ब्लॉगिंग वगैरह करते देखेंगे, तो उनको भी लगता होगा कि जैसे मैं कभी कभी ऐसे पब्लिक में ब्लॉग करता हूँ तो मेरे को अजीब लगता है, बट मैं अजीब मतलब भाई अगर कुछ करना है तो वो तो करना ही पड़ेगा करके मैं सोच के आगे बढ़ जाता हूँ। बट उसके बाद जो आदमी सोचते हैं कि भाई ये क्या कर रहा है, पढ़ाई लिखाई करता कुछ बन जाता IAS, तो खैर एलिस भाई ने ऐसे सही बात बोली यार, लड़की अगर ये सुन रहे हो, आप कोई भी लड़की ये देखा, ये जो मीम अभी था वो देखी वो, तो थोड़ा बात समझना और आप भी कुछ ना कुछ करना अपने लाइफ में। एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल बॉयज एंड गर्ल्स फॉर योर फ्यूचर, एंड आप भी मेरे को मेरे फ्यूचर के लिए ऑल द बेस्ट कमेंट कर देना गाइस, क्योंकि मेरा फ्यूचर तो पानी में जा रहा है। तो गाइस आज की हमारी सारी सारी मीम हो चुकी है कंप्लीट। आई होप आपको इस वीडियो में मजा आया होगा, सारी मीम आपको पसंद आई होंगी। एंड गाइस हमने आज टोटल देखे हैं आई थिंक 10 मीम, लाइक 10-12 मीम कुछ देखे हैं। तो आपका सबसे बेस्ट वाला मीम कौन था मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। एंड गाइस प्लेग्राउंड सीजन 3 का ये इस बार सच्ची वाला ये इस बार सच्ची वाला लास्ट वीडियो रहेगा, क्योंकि भाई अब वो प्लेग्राउंड सीजन 3 कुछ ही हफ्तों में एंड भी होने वाला है। मैं किसी और वीडियो में अगर बीच में थोड़ी देर के लिए उसका विनर का नाम भी आपको बता दूंगा आगे आने वाली वीडियो में। तो आई होप आपको इस वीडियो में मजा आओ, मेरा वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन को दबा देना, ताकि हम कभी आपके वीडियो डाले चैनल में तो आपको मिले सबसे पहले। एंड गाइस मेरे एक ब्लॉगिंग चैनल है, आपको ब्लॉगिंग में इंटरेस्ट है उसको जाकर सब्सक्राइब कर दो। एंड मैंने अभी अभी एक बहुत क्रेजी प्रैंक डाला हुआ है, उसको जाके देखो एंड एंजॉय करो। तो बाय।